दूसरा शायद जियो फिनेंस, ये आपका होल्डिंग है, काफी बेहतरीन रेट में आपने ये स्टॉक खरीदा है जितना मैं देख रहा हूँ। स्टॉक में जिस तरीके का गए कुछ दिन में मोमेंटम है, फिजल आउट हो रहा है, थोड़े से दबाव में चल रहा है स्टॉक, और 328 के आसपास चल रहा है, पर 320 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्राइस सपोर्ट जोन है। और जिस तरीके का एक्शन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 320 25 के स्तर से वापस एक बार स्टॉक वापस उछलेगा, तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस के माध्यम से 300 का स्टॉप लॉस बनेगा एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर, और रिकवरी में वापस आपको 370 तक जियो फाइनेंस दिख सकता है। तो 370-380 रफली ये 6 महीने का टारगेट होगा जियो फाइनेंस में। अगर ये लेवल दिखे तो आपको बुक करना है। तो दोनों स्टॉक्स में बने रहने की राय रखूंगा, तो होल्ड जियो फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स। चलिए तो नजरिया ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है ये है अंकुर मोदी का। ये पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस होल्ड करते हैं 303 के भाव पर, यहाँ पर आपकी क्या राय रहेगी? 250 शेयर्स हैं ये जो होल्ड करते हैं। पहले अंकुर जी को मेरी इतनी ही सलाह है, अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आपने खरीदा है तो इसको आप होल्ड करके चलिए। मैं कहूंगा कि हर मंथ आप इसमें एसआईपी भी करके चल सकते हैं। अगर नजरिया आने वाले 2 से 3 साल का है तो ये स्टॉक हमें अच्छे खासे गेन दिखा सकता है, 550 से 600 के लेवल भी दिखा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप इसको होल्ड करके चलिए, और हर मंथ आप इसमें एसआईपी करके भी चल सकते हैं। हर मंथ SIP चल